जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि सबको। और JMD बिल्डर्स इस बार लेकर आया है 4 BHK 120 गज का फ्लैट, फ्रंट में रहने वाले जो हमारी 30 फिट की रोड और राइट साइड में रहने वाली है 20 फिट की। तो समझ लो ना, इंडिपेंडेंट भी है और एल टाइप कॉर्नर भी है। भाई पूरी वीडियो ज़रूर देखना, नवरात्रि चल रही हैं और एक्साइटिंग ऑफर आपके लिए बहुत सारे लेके हैं, 21 ऑफर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो 9 दिन में फ्लैट बुक करो और जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखो। फ्रॉम से JMD बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड द्वारका मोड से आज आपको दिखाने वाला हूं एक 4 BHK 120 गज का फ्लैट विद कार पार्किंग और लिफ्ट और इंडिपेंडेंट ये फ्लैट रहने वाला है। फ्रंट रोड की बात करूं तो आपको 30 फिट की रोड ये मिलने वाली और एल टाइप की प्रॉपर्टी, और साइड रोड आपको मिलने वाली है 20 फिट की। बात करूं मैं बेसिक अमेनिटीज की तो स्कूल तो भाई फ्लैट के बिल्कुल सामने है, ओके मोड स्कूल के बिल्कुल सामने प्रॉपर्टी रहने वाली है। मार्केट्स बिल्कुल नियर बाय हैं। मेट्रो तो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब मेट्रो से उतरो सीधा फ्लैट में आ जाओ, 2 मिनट का रास्ता है सिर्फ। ATM बैंक बिल्कुल नियर बाय इसके रहने वाले हैं। पक्के रजिस्ट्री, वाटर के कनेक्शन, दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 80 से 90% इसके अंदर लोन भी अवेलेबल है। और साथ में मैंने जो वीडियोज़ अभी डाली हुई हैं मेरे साइड में देख ही रहे होगे आप, 3 BHK 90 स्क्वायर यार्ड्स का, 2 BHK 70 स्क्वायर यार्ड्स का, 3 BHK 100 स्क्वायर के फ्लैट्स भाई डाले हुए हैं। फ्लैट लेना नहीं है क्या? नवरात्रों में आके ले लो, ऑफ़र वगैरह बहुत सारे देने वाला हूँ। और पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ऑफ़र आपको बीच में कहीं भी बता दूंगा। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस मैं खड़ा हूँ अपने फ्लैट के बिल्कुल बाहर, और सबसे पहले तो आपको एक ना पैसेज एरिया दिखा दूँ। हमारे बाहर का जो पैसेज एरिया रहने वाला है ये मेरे लेफ्ट साइड में रहेगी लिफ्ट का पार्ट। लिफ्ट देख सकते हो कितनी बढ़िया लिफ्ट रेडी करके दी है आपको। और मेरे राइट साइड में रहेगा स्टेयरकेस। भाई पूरा ग्रेनाइट हमने प्लेस किया और SS की रेलिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है। एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, कोई डिस्टर्बेंस का कलेश तो है ही नहीं इसके अंदर। तो एंटर करते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। एंटर करने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा हमारा जो 8 फिट का डोर ये रहने वाला है, जो मेन एंट्रेंस डोर है हमारा। फ्लश डोर आपको मिलने वाला है, बोथ साइड आपको माइका मिलने वाला है, और बीच में आपको गोल्डन कलर का ग्लास इसमें हम प्लेस करके दे रहे हैं। मतलब हर चीज़ बिल्कुल ब्यूटीफुल रेडी इसके अंदर की हुई है। एंटर करते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। सबसे पहले तो मैं बात करूं हमारे लिविंग एरिया के स्पेस की, तो सर स्पेस आप देख सकते हो, नो डाउट कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने ह्यूज साइज़ में हमारा ये लिविंग एरिया रहने वाला है। फ्रंट वॉल की ही बात करूं तो सर एक बार वॉल दिखा दो पूरी, इतनी बढ़िया वॉल हमने रेडी की हुई है। कूलिंग का काम, साथ में कॉपर ग्लास का काम, और साइड में आपको मिलने वाला है WPC का काम, और लाइटिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। लिविंग एरिया में हमने यहाँ पे एक स्टैंडिंग लैंप भी प्लेस किया रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। और बात करूँ हमारे सोफ़ा सेट की तो 12-सीटर सोफ़ा हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ब्राउन और डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में पूरा सोफ़ा हमारा ये रहने वाला है। एक सेंटर टेबल भी हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। और साथ में सर एक बार ये भी दिखा दो सर, भाई माता रानी का शेर भी प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, शेर भी रखा हुआ है। नवरात्रों में तो वैसे ही बड़ा शुभ होता है, तो फटाफट आके भाई ले जाओ फ्लैट। और साइड में और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे से लेके वहाँ तक पूरा वॉलपेपर का वर्क आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और यहाँ पे हमने एक मंकी लाइट भी प्लेस की हुई है, जैसे कि आप देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। सर एक बार फॉल सीलिंग भी दिखा दो, इतनी बढ़िया टैक्टिकल लुक की फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इंटरनली बात करूँ तो कोव लाइट, LED लाइट्स का काम किया हुआ है, कॉपर ग्लास का काम किया हुआ है, 2 फैन प्लेस किए हुए हैं, शैंडलर, अरे सर महाराजों वाला शैंडलर इसके अंदर हमने लगाया हुआ है। और क्या चाहिए सर? और काउंटडाउन होने वाला है हमारा ख़त्म, तो ऑफ़र जानने की एक्साइटमेंट तो आपके अंदर हो रही होगी। तो ऑफ़र बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में अब आ ही गया है। ऑफ़र की सबसे पहले बात करें तो आपको LED लाइट्स इसके अंदर मिलने वाली है सारी की सारी, जो मतलब फुली फर्निश्ड फ्लैट आपको सेमी के प्राइस में मिलने वाला है। 2-3 ऑफ़र आपको बताए तो बाकी आप डिस्प्ले में देख ही सकते हो। भाई LED TV, RO, माइक्रोवेव, प्रोजेक्टर्स,
सी जितनी भी सारी पेंटिंग्स, सीनरी, लाइटिंग, फॉल सीलिंग, गीजर वगैरह जो भी आपको नीड्स हैं घर की, हर तरह की नीड्स हम की पूरी करेंगे। वॉल क्लॉक हो गई, एलेक्सा हो गई, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो कंटिन्यू करते हैं फ्लैट के फिर से तरफ। तो सोफे के बिल्कुल सामने आपको मिलने वाला है यहाँ पे टीवी कैबिनेट। भाई इतना बड़ा टीवी कैबिनेट रेडी करके आपको दिया हुआ है ब्राउन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर। अंदर आपको वॉलपेपर का वर्क भी मिलने वाला है और लाइटिंग आप देख ही सकते हो उसके अंदर कितनी बढ़िया लग रही है। सबसे पहले तो बात करें हमारे सेंटर की, तो यहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी LED प्लेस करो, 50 इंची भी लगा लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको सारे अंदर ही मिल जाएंगे। से नीचे आपको यहाँ पे ड्रॉज मिल जाएंगे, सेटअप बॉक्स वगैरह रखना तो यहाँ पे इजीली आप प्लेस करो। और नीचे भी आपको यहाँ पे इंटरनली लाइटिंग वगैरह का काम, कॉपर ग्लास का काम आपको मिलने वाला है। और साथ में सर देख ही सकते हो डेकोरेटिव आइटम कोई भी प्लेस करो, कोई दिक्कत नहीं, हमने अपनी मर्जी से लगा दी। भाई फील आ रहा है ना सर फ्लैट में, इतना बढ़िया काम किया हुआ है। क्या सोच रहे हो, कुछ भूल गया? अरे स्प्लिट AC का पॉइंट यहाँ मिलने वाला है, टेंशन मत। तो वेंटिलेटेड फ्लैट है, JMT बिल्डर्स का ये वाला। तो ये आपने देख लिया, अब आप दिखाता हूँ हमारी मॉड्यूलर किचन। लेकिन किचन दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा लिविंग एरिया के बिल्कुल साइड में आपको मिलने वाला है हमारी तरफ से इतना ब्यूटीफुल सा मंदिर। मतलब भाई इतनी पॉजिटिविटी घर के अंदर है तो मंदिर होना तो बनता है ना। कॉपर ग्लास का काम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, साइड में वुडन का वर्क मिलने वाला है, ऊपर फोकस लाइट और पूरे साइड में आपको मिलने वाली है पिलर्स पे यहाँ पे वॉलपेपर का वर्क। तो देख रहे हो और क्या चाहिए सर, इतना शुभ घर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नवरात्रों में बुक करो, 9 दिन के लिए ऑफर वैलिड है, पहले ही बता रहा हूँ 9 दिन के लिए ऑफर वैलिड है। तो फटाफट आके बुक कर लो, 21 ऑफर है, 21 के 21 ले दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। नहीं, किसी भी चीज़ की, अपना घर बनाना है। तो किचन दिखाने से पहले एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, हमारी तरफ से 4 सीटर डाइनिंग हमने यहाँ पे प्लेस की हुई है, आप देख ही सकते हो, आराम से खाओ पियो कोई टेंशन नहीं है। और इधर रहने वाला है हमारा किचन पार्टीशंस, ब्राउन और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में। इंटरनली बात करूँ तो कॉपर ग्लास का वर्क आपको मिलने वाले, LED लाइट्स आपको मिलने वाली हैं और साथ में डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे हमने प्लेस सारे के सारे किए हुए हैं। इधर आपको हमारी साइड से एक काउंटर भी मिलने वाला है, काउंटर आप देख सकते हो, कुछ भी खाना पीना तो यहाँ बैठ के भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक आपको हमने यहाँ पे एक हैंगिंग लाइट लगा दी है, भाई देख रहे हो ऑटोमेटिक है, हाथ लगाते बंद हो जाती है। और क्या चाहिए सर, इतनी बड़ी किचन स्पेस देख लो। सबसे पहले तो सारी माताएं बहनें खुश कि भाई कितनी सारी लेडीज यहाँ पे काम कर लेंगी, एक बार 5-6 तो कर ही लेंगी आराम से, ज़्यादा भी कर लेंगी कोई दिक्कत नहीं है। आके देखो मज़ा आएगा फ्लैट देखकर। ग्रे और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में पूरी किचन हमारी रहने वाली है। सेंटर में बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइलिंग का काम मिलने वाला है, कुछ भी गंदा होता है कपड़ा मार के साफ करो, कोई टेंशन आपको इसमें नहीं मिलने वाली। ओवरहेड स्पेस की बात करूँ तो ग्रे कलर का माइक आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इंटरनल आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक्स का काम मिलने वाला है, अंदर सन माइका भी प्लेस किया हुआ, ऊपर आपको फोकस लाइट मिलने वाली है। और सेंटर में रहने वाली है हमारी ऑटोमेटिक चिमनी, बिना हाथ लगाए सर ऐसे आपकी ऑन हो जाएगी है और एक ही बारी में यहाँ से बंद। इधर भी कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कोई भी आपने क्रॉकरी वगैरह रखनी है तो यहाँ पे आप इजीली प्लेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कांच का सामान है तो आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ब्लैक कलर का ग्रेनाइट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको यहाँ पे सारे मिलने वाले हैं। और साथ में ही बात करूँ हमारी बास्केट्स की, तो कटलरी बास्केट है, प्लेन बास्केट है, आटा बास्केट है, यहाँ पे सारी स्टेनलेस स्टील काम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इतनी सारी बास्केट है, सारी बास्केट डाल दी, कितनी चाहिए बास्केट आपको यहाँ पे। इस साइड में रहने वाले हमारे डबल सिंक, जैगुआर की टैप्स आपके सारे यहाँ पे रहने वाले हैं और साथ में RO का पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे आपको मिल जाएगा ड्रेनेज का पॉइंट और डस्टबिन रखने का स्पेस, देख रहे हो इतना बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस मॉडुलर किचन भी आपने देख ली, और एक चीज़ और आपको बता दूँ भाई, एक आधा फ्लैट इसमें पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, माल ख़त्म है, जिसने लेना है भाई आके ले लो, नवरात्रों में ऑफर ग्रैब कर लो, जिसने भी करना है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, JMD बिल्डर्स हमेशा सबके साथ में रहता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम, तो एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। भाई एंटर कर चुका हूँ, रूम डायमेंशन की सबसे पहले तो बात करूँ तो पूरे 12x13 के स्पेस में ये रूम रहने वाला है। फ्रंट वॉल की इसमें बात करें तो कुल्डिंग का काम और ग्लास का काम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा सर, इतना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो ऊपर आपको एक फोकस लाइट्स भी यहाँ पे मिलने वाली है, वॉल लैम्प भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और 6x6 का बेड हमने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है सर, कलर कॉम्बिनेशन आप इसके अंदर देख सकते हो कितने बढ़िया काम इसके अंदर हमने किया हुआ है। ठीक मेरे पीछे रहने वाली है एक स्लाइडिंग डोर अलमीरा, ब्राउन और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में, स्पेस वगैरह इसमें देख सकते हो कितना बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। भाई दोनों साइड से खुलती है, दिखा देता हूँ, और इन साइड में आपको बेड के यहाँ पे साइड टेबल्स भी मिलने वाले हैं, कुछ ड्रॉज भी मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो भाई रात को फोन वोन चार्ज करें तो टेंशन मत लेना, साथ में ही रहेगा आपका। इस साइड में रहने वाले आपका ड्रेसिंग का पार्ट, काफ़ी लॉन्ग मिरर हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। नीचे आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी सामान रखना है तो आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो।
और इस साइड में रहेगा हमारा एक स्टडी टेबल, हमने रेडी किया हुआ है। कोई भी भाई गेमिंग का शौक़ है, स्टडी करनी है, पढ़ना लिखना, तो यहाँ पे आराम से बैठ के सिस्टम लगाए करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने एक बुक शेल्फ भी बना के दी है, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और वेंटिलेशन पॉइंट की बात करो तो इधर आपको विंडो प्लेस की हुई है, विंडो एसी आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा आराम से। और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ग्रिल्स का प्रोविजन किया हुआ है और कर्टन्स भी लगा के दिए हुए हैं, टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ की। और इतना बड़ा रूम है सर, और क्या चाहिए आपको। नीचे हमने रनर भी लगाया हुआ, सर रनर भी दिखा दो एक बार। हर चीज़ का जेएमडी बिल्डर ध्यान रखता है सर। एक बार फॉल्सिंग भी दिखा दो इसकी, फॉल्सिंग ले गई, बिल्कुल सिंपल सोवर लुक की फॉल्सिंग आपको मिलने वाली है। फैन भी प्लेस किया हुआ है, एलईडी लाइट्स का काम, कोवलाइट का काम आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो फर्स्ट बेडरूम आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कॉमन वॉशरूम। सर कॉमन वॉशरूम का स्पेस, अब सर देखते जाओ स्पेस कितना बढ़िया है। एंटर करते सबसे पहले आपको मिलने वाले यहाँ पे वॉश बेसिन, एक काफ़ी बड़ा मिरर, ऊपर लाइटिंग वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद रहेगी हमारी WC, हर चीज़ की आपको जगवार की यहाँ पे मिलने वाली है। और बिल्कुल सेपरेट हमारा रहने वाला है बाथिंग एरिया, इस साइड हमारा बाथिंग एरिया रहने वाला है। और बीच में एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अभी टफन ग्लास भी लगेगा, तो बिल्कुल पार्टीशन आपका इसके अंदर हो जाएगा। एक सिंपल सोवर लाइट भी हमने प्लेस की हुई है, हैंगिंग लाइट आप देख सकते हो। और वेंटिलेशन की बात करूँ तो विंडो यहाँ पे प्लेस की हुई है, एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा के देने सर ऑफर में, टेंशन लेने किसी भी चीज़ की। तो कॉमन वॉशरूम भी आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा सेकंड बेडरूम। भाई सेकंड बेडरूम में जाने से पहले सर एक बार किचन पार्टीशन ये वाला भी दिखा दो, देख रहे हो। यहाँ भी आपको किचन पार्टीशन एक रेडी करके दिया हुआ है, वाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में, लाइटिंग का काम, कॉपर ग्लास का काम, डेकोरेटिव आइटम्स कोई भी प्लेस करनी तो ईजिली आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो सेकंड बेडरूम में मैं एंटर कर चुका हूँ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। डायमेंशंस की बात करूँ सबसे पहले तो भाई इतना बड़ा स्पेस सर, क्या चाहिए सर आपको। 12x13 का स्पेस आपको ये मिलने वाला है। फ्रंट वॉल की ही बात करें तो कोल्डिंग का काम आपको मिलने वाला है, ब्राउन और थोड़ा ब्लैकिश कलर के अंदर हैंगिंग लाइट्स आपको मिलने वाली है। इधर आपको कॉपर ग्लास का काम भी देखने को मिलेगा, और साथ में रहेंगे हमारे वार्डरोब्स। भाई स्पेस वगैरह इतना ही, क्या ही बताऊँ। नीचे आपको साइड टेबल्स और वॉल लैम्प भी यहाँ पे मिलने वाला, देख ही सकते हो आप। यहाँ पे आपको ड्रॉर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको सारे यहाँ पे करके देंगे हम लोग। और वेंटिलेशन की बात करूँ तो जेएमडी बिल्डर्स का फ्लैट है, वेंटिलेशन की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। विंडोज़ हमने यहाँ पे प्लेस की हुई हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के ग्रिल्स का प्रोविजन है, विंडो एसी यहाँ आपने प्लेस करो, कोई आपको टेंशन किसी चीज़ की नहीं आने वाली। सर एक बार फॉल सीलिंग भी दिखा दो, बिल्कुल सिंपल सोवर लुक की फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है। सर काम देख सकते हो कितना बढ़िया, कोवलाइट, एलईडी लाइट, फैन वगैरह हर चीज़ के अंदर प्लेस की हुई है। तो ये रहने वाला है हमारा वॉशरूम, जो हमारा कॉमन भी है और अटैच भी है। तो देख रहे हो कितना बढ़िया बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके बाद आपको दिखा दूँ हमारी बालकनी। सर बालकनी का स्पेस तो सर इतना ज़बरदस्त है कि मज़ा ही आएगा बालकनी देख के। भाई इतनी बड़ी बालकनी आपको ये मिलने वाली है, और रेलिंग अभी लगनी है, लगा के देंगे रेलिंग भी, टेंशन मत लेना किसी चीज़ की। आराम से 2-3 चेयर लगाओ, टेबल लगाओ, बैठो, खुला आनंद लो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। और साथ में बात करूँ प्रॉपर एंड टू एंड टाइलिंग का आपको यहाँ पे काम मिलने वाला है। और एलिवेशन सर इतना बढ़िया रेडी किया है, स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, इतना हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बात करूँ मेरे वॉशिंग एरिया की, तो वॉशिंग एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है बिल्कुल साइड में। टैप्स का प्रोविजन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन, ड्रेनेज का पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आराम से वॉशिंग सेपरेट अलग करो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। और दो रूम हमारे फ्रंट में रहने वाले थे, दोनों साइड से आपको एक्सेस मिलने वाला है। तो एंटर करते हैं हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। सबसे पहले तो मैं बात करूँ हमारे डायमेंशंस की, तो भाई ये भी आपको मिलने वाला है 11x13 के स्पेस के अंदर। फ्रंट वॉल की बात करूँ कितना सुंदर भाई काम लग रहा है, प्रॉपर कोल्डिंग का काम ऊपर से नीचे तक। इंटरनली बात करूँ, इंटरनल डिज़ाइनिंग देख रहे हो सर कितनी बढ़िया डिज़ाइनिंग की हुई है। ग्लासेस का काम आपको मिलने वाला है, और साइड में आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिलने वाले हैं, हैंगिंग लाइट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ब्राउन और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में पूरी अलमीरा रेडी की हुई है। स्पेस वगैरह सर देख सकते हो कितने बढ़िया स्पेस में आपको ये मिलने वाला काम। नीचे भी आपको ड्रॉर्स मिल जाएंगे, और 6x6 का बेड भी यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो किसी चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी। और साथ में ही रनर, यहाँ पे रनर भी प्लेस किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चप्पलें साइड में हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नंगे पैर लेके जाओगे ना तो साफ करके जाओ ना ऊपर। वेंटिलेशन की बात करूँ तो विंडोज़ हमने यहाँ प्लेस की हुई है, सेफ्टी सिक्योरिटी के रेगल्स का काम भी किया हुआ है, और साथ में विंडो एसी यहाँ प्लेस करो, कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। बेड के बिल्कुल ठीक सामने आपको मिलने वाला है टीवी कैबिनेट। सर टीवी कैबिनेट एक बार देख लो, ऐसा काम सर देखा आपने, काइट शेप में पूरा ग्लास ये कटा हुआ है, और पूरा ऊपर से नीचे तक हमने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। अंदर आपको वॉलपेपर का काम मिलने वाला है, आराम से यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी आप हैंगिंग टीवी लगाओ, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ब्राउन और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में सारा वुडन का काम हुआ है इसके अंदर। और नीचे आपको एक काम भी यहाँ पे मिलने वाला है, कॉपर ग्लास और लाइटिंग का काम भी। फॉल सीलिंग रहेगी सर, फॉल सीलिंग भी दिखा दो एक बार।
इतनी बढ़िया लुक की भाई स्क्वेयर्स वाली फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एलईडी लाइट्स का काम, कोव लाइट और फैन हमने इसके अंदर प्लेस किए हुए हैं। और हर रूम में कर्टन्स बताना भूल रहा हूँ बार बार सर, कर्टन्स भी प्लेस किए हुए हैं। कर्टन्स में एक बार दिखा दो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो आपने पूरा ऑलमोस्ट फ्लैट कवर कर लिया। एक हमारा फोर्थ बेडरूम रह गया, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फोर्थ बेडरूम हमारा जो कि मास्टर बेडरूम है। तो भाई घुसते ही पॉजिटिविटी देख लो कितनी बढ़िया आ रही है। इतना बड़ा रूम सर, स्पेस देख लो। सबसे पहले तो डायमेंशंस की बात करूँ तो पूरे 13x13 के स्पेस में आपको ये रूम मिलने वाला है। फ्रंट वॉल की बात करूँ तो इधर आपको मिलने वाला है हमारी तरफ से कस्टमाइज वॉलपेपर, अपनी मनचाह मर्जी से कोई भी आपने प्लेस करा था वो भी आप इसमें इजीली प्लेस कर सकते हो। और फॉल सीलिंग के साथ में ही हमने कनेक्ट करी हुई लाइट्स और थोड़ा डिज़ाइन देख ही सकते हो सर आप। ब्राउन कलर का वुडन का काम और हैंगिंग लाइट्स कितनी बढ़िया लग रही है ये। सर एक बार फॉल सीलिंग भी दिखा दो, इतनी बढ़िया आपको फोर्स का मिलने वाली है। आउट शेप की हमने पूरी रेडी की हुई है, फैन भी प्लेस, एलईडी लाइट्स का काम हमने सारा इसके अंदर किया हुआ है, कूल लाइट का काम आपको इसके अंदर मिलने वाला है। बिल्कुल फ्रंट में इसकी बात करूँ तो इधर आपको मिलने वाला है टीवी कैबिनेट इतने बढ़िया लुक के साथ। इधर आपको वॉलपेपर का वर्क, इधर ग्लास का वर्क और इधर वुडन का वर्क, तो देख लो कितनी बड़ी डिजाइनिंग हमने इसके अंदर की हुई है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ में ड्रॉज वगैरह इसमें देख सकते हो कितना बढ़िया काम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक साइड में हमने अलमीरा भी प्लेस किया हुआ है, स्लाइडिंग डोर आपको इसमें मिलने वाली है व्हाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में। स्पेस तो सर बतेरा, टेंशन मत लेना, अभी लॉक रखी है, अंदर सामान पड़ा हुआ है लेबर का समझ सकते हो ना ये बात। इसके बाद आपको दिखाता हूँ हमारा अटैच वॉशरूम। भाई इतनी बढ़िया वॉशरूम स्पेस देख लो। सबसे पहले तो व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में पूरा ये वॉशरूम हमारा रहने वाला है। एंड टू एंड टाइलिंग के साथ में नीचे आपको एंटिस की टाइल्स मिल जाएंगे और सारी सैनिटरी वगैरह सब कुछ हमने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। हर चीज़ आपको जैगुआर के यहाँ पे मिलने वाली है। वेंटिलेशन पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना एग्जॉस्ट वगैरह लगाओ कैसे, अगर 9 दिन के बीच में आ गए तो हम ही लगा के दे देंगे, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। तो गाइस ये था हमारा 4 BHK 120 गज का इंडिपेंडेंट एल टाइप वाला फ्लैट, फुली वेंटिलेटेड, कार पार्किंग लिफ्ट के साथ में। भाई बेसिक अमेनिटीज़ की बात करूँ तो स्कूल कॉलेज मार्केट बिल्कुल इसके नियर बाय रहने वाले हैं। 80-90% लोन अवेलेबल है, पक्की रजिस्ट्री, दिल्ली जल बोर्ड का पानी कुछ रह गया क्या सर। ऑफर्स भाई 9 दिन के लिए वैलिड है, बता रहा हूँ आके ले जाओ, सब खत्म है, बहुत डिमांड है 4 BHK की, मिलना नहीं है 4 BHK। 4 BHK तो बनाता भी नहीं है और वो भी इतने बढ़िया इंटीरियर के साथ में। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्लैट बुक करने आ जाओ नवरात्रि में। भाई 9 दिन है, सिर्फ 9 दिन, समझ लो ना कितना कम टाइम है, रिसर्च नहीं करनी, फटाफट आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।